सो फ्रेंड्स, जब हम अपने साउंड को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हमें टॉप या फिर बेस के स्पीकर्स की ज़रूरत है, या फिर कोई मेरे डीजे वाला भाई नया डीजे सेटअप लेना चाहता है और उसके लिए उसे स्पीकर लेने की ज़रूरत है, तो उस समय काफ़ी सारा कंफ्यूजन रहता है माइंड में कि कौन से कंपनी का स्पीकर है वो सबसे बेस्ट होता है। इसलिए वो ज्यादातर पूछताछ करता रहता है कि भाई कौन से कंपनी के स्पीकर लूँ डीजे वालों के भाइयों से, और वो उन्हें गलत सलाह दे देते हैं और वो ऐसे स्पीकर का चूज कर लेता है जिसके अंदर उसके अंदर पैसा बर्बाद हो जाता है, बाद में उसको सिर्फ पछताना पड़ता है। सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं टॉप या बेस के लिए किस कंपनी का स्पीकर सबसे बेटर होता है। वीडियो को फ्रेंड्स पूरा देखना, तभी आपको समझ आएगा। और आज के इस वीडियो को समझने के लिए मैं सभी कंपनियों का तीन भागों में डिवाइड करने वाला हूं। फर्स्ट, जिसके अंदर उन सारी कंपनियों को चूज किया है मैंने, जिसके अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो तो आपको लोग कहेंगे वेरी गुड, तुम्हारे पास जो भी माल है वो अच्छा है। दूसरी कैटेगरी में मैंने उन कंपनियों को रखा है, अगर उनमें से कोई आपके पास माल होगा तो लोग कहेंगे अच्छा है। और तीसरी कैटेगरी वो है जिसके अंदर अगर आपके पास उनमें से किसी एक भी कंपनी का स्पीकर है, लोग आपको यही बोलेंगे कि हाँ भाई ठीक है, तेरे पास दो बेस है, चार टॉप है, ठीक है, नॉर्मली ठीक ठाक है, यही बोलेंगे। इन तीनों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि आपको किस कंपनी का माल लेना है। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले स्पीकर का सिलेक्शन से पहले होता है बजट, यानी आपको कितने वॉल्यूम तक स्पीकर चाहिए, यानी आपको किस क्वालिटी का स्पीकर चाहिए, सबसे पहले वो डिपेंड करता है और उसी के आधार पर ये सारी कंपनियां जो स्पीकर प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप सीधे दुकानदार के पास जाकर बोलोगे ना मुझे ये स्पीकर चाहिए बेस के लिए, तो वो आपको मना नहीं करेगा, वो कहेगा कि सभी कंपनियों के स्पीकर से एक बढ़िया है। लेकिन आप ये जाकर कह दोगे कि मुझे आरशिप का स्पीकर चाहिए, तो वो बताएगा कि भाई इसकी रेट 47,000 रुपये है, वो ये बोलेगा। और अगर आप वो बोलेगा नहीं यार मेरे बजट 10 या 12 हज़ार है, तो वो बोलेगा कि भाई इस कंपनी का ये स्पीकर ले जो 1500 वाट का मिलेगा, आरशिप का 1000 वाट का है, लेकिन इस कंपनी का ले 1500 वाट का स्पीकर है और 12,500 सिर्फ रेट है, बहुत बढ़िया स्पीकर है, ये कहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, उसको है ना माल बेचना है। अगर वो रियल बताएगा कि भाई इसके और इसके अंदर रात दिन का फर्क है, तो आप वो स्पीकर लेने ही नहीं जाओगे वहां। अब रही बात कि हमको कैसा स्पीकर है वो लेना चाहिए, सो फ्रेंड्स, सभी कंपनियों का स्पीकर है वो अपनी अपनी जगह पर सही है। मैं किसी भी कंपनी का ये नहीं कह रहा हूं कि इस कंपनी का माल घटिया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसा आप पैसा दोगे वैसा आपको कंपनी स्पीकर देगी, और कंपनी भी उस पैसों में उस स्पीकर के अंदर पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन चेक करके देगी कि बढ़िया क्वालिटी का बजे कितने तक, जितना आपका बजट है उतने तक। वही है, सभी कंपनी के स्पीकर अच्छे है, ना ही मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ और ना ही किसी को मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि उस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। बस बात यह है रियलिटी की कि ज्यादातर लोग किसके स्पीकर्स यूज करते हैं और ज्यादातर साउंड है किस कंपनी के स्पीकर से आता है, वो ही इस वीडियो में बात करने वाला। सो फ्रेंड्स, हमारी सबसे फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, तो इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहला नाम आता है RCF या फिर JBL का। सो फ्रेंड्स, ये हमारी इंडिया की कंपनी है नहीं, लेकिन इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ये दोनों कंपनियां फेमस है अपने नाम से, इनके स्पीकर सबसे ज्यादा बिकते हैं। और अगर किसी के पास ये साउंड है, यानी RCF का साउंड है या फिर JBL का साउंड है, और वो इसको इंक्रीज करना चाहता है, तो इससे आगे और कोई स्टेप है ही नहीं RCF या JBL से। आपके पास दूसरी कंपनी के माल है जैसे स्टूडियो मास्टर, पियोडियो या फिर आउजा, डायनामाइट, BNC, किसी भी कंपनी का स्पीकर से, तो आप अपने साउंड को इंक्रीज करना चाहते हो, तो लोग आपको मतलब यही कहेंगे कि भाई तेरे पास इतना सेटअप है तो अब RCF ले ले, सबसे बढ़िया रहेगा। लेकिन आपके पास RCF है तो इससे आगे आपको जाने की जरूरत भी नहीं। यानी सिंपल सी बात है गाइज, अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो, आपको पता ही है
तो उसके अंदर आपको कोई पूछेगा कि कौन से कंपनी का मोबाइल सबसे बेटर लोगे, तो आप सीधा का सीधा यही कहोगे भाई जो सेव कटा हुआ फोन है वो सबसे बेस्ट है, यानी कि एप्पल का फोन सबसे बेस्ट है। तो वैसे के वैसे फ्रेंड्स, हमारे साउंड की दुनिया में JBL या RCF स्पीकर्स के मामले में सबसे आगे है। इनके स्पीकर्स आगे होने के फ्रेंड्स, इसका बजट भी इतना हैवी है। RCF और JBL के बाद स्पीकर्स का अगला नाम आता है तो वो है BNC। सो फ्रेंड्स, BNC ऐसी कंपनी है स्पीकर्स की जिसको RCF या फिर JBL का रूप बोला जाता है। इस कंपनी के स्पीकर्स में इतना पावर है कि दूसरी कंपनी वाले भी इस कंपनी का स्पीकर्स लेकर अपने कैबिनेट में इस कंपनी का स्पीकर्स लेकर अपने नाम के साथ चलाते हैं। उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, ल्योडली कंपनी पहले BNC के स्पीकर्स यूज करती थी, अब भी यूज करती है क्योंकि ये परफॉर्मेंस में बेस्ट है। उसके अलावा बात करें पॉप की, सो गाइस पॉप भी पहले BNC के स्पीकर्स यूज करते थे अपने बेस में। उसके बाद अब धीरे धीरे इन्होंने अपनी क्वालिटी को इंक्रीज किया और अब अपने स्पीकर्स यूज करती है, लेकिन इनके अंदर पे हमें देखने को मिल जाता है BNC के स्पीकर्स। यानी फ्रेंड्स, ये हमारा RCF या JBL के समान लेवल का हो गया है। अब आहूजा की बात करें तो फ्रेंड्स, आहूजा के स्पीकर्स भी टॉप और बेस के लिए काफी प्रचलित है। हमारे इंडिया में सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद कंपनी है आहूजा। इसके टॉप के लिए स्पीकर्स काफी बेटर होते हैं, बेस के लिए भी काफी बेटर होते हैं, और लाइव और डीजे दोनों के लिए काफी अच्छी कंपनी मानी जाती है। अगर आप इस कंपनी के स्पीकर्स लेते हो तो आप आंखें बंद करके भी ले सकते हो, भरोसेमंद है। उसके अलावा आप कभी भी आगे अपने डीजे को सामान को वापस सेकेंड हैंड के रूप में बेचोगे ना, तो भी आगे वाला ये नहीं कहेगा कि आपने एक अच्छा माल यूज नहीं किया है, वो इस कंपनी के प्रोडक्ट को हंसते हंसते ले लेगा। इसके अंदर टॉप के और बेस के स्पीकर काफी हैवी है। टॉप में यहाँ पर 650 वाट का मैक्सिमम पावर वाले स्पीकर आपको इस कंपनी के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा बेस के अंदर इसके अंदर 1300 वाट तक के स्पीकर से आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आता है POD। हमारे इंडिया में POD का माल भी काफी ज्यादा बेचा जाता है और काफी यूजफुल है। इसका रेस्पॉन्स भी काफी शानदार है। ये भी बेस और टॉप के स्पीकर्स आपको इसके अंदर भी मिल जाते हैं। POD में सैलेंजर सीरीज हमारे इंडिया के लिए काफी प्रचलित है। इसके स्पीकर सबसे ज्यादा फेमस है टॉप और बेस के लिए। इसके अंदर भी फ्रेंड्स, हमें टॉप के लिए काफी अच्छे ऐसे स्पीकर्स मिल जाते हैं जो 700-800 वाट तक के रहते हैं। उसके अलावा बेस के भी इसके अंदर आपको 2000 वाट तक के स्पीकर से मिल जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आप POD का कोई स्पीकर्स लेना चाहे तो भी ले सकते हो, आप आंखें बंद कर भी ले सकते हो क्योंकि ये भी भरोसेमंद कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट आपको इसका ओरिजिनली परचेज करना रहे पड़ेगा क्योंकि इसके भी काफी ज्यादा कॉपी प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी पॉप। पॉप एक ऐसी कंपनी है जो पहले BNC के स्पीकर्स भी यूज करते थे, अब खुद के यूज करती है। फ्रेंड्स, पॉप एक ऐसा बेस है, ऐसा एक ब्रांड है जो आप आंखें बंद करके भी ले सकते हो। इनकी प्राइस रेंज में थोड़ी आपको हैवी मिलेगी, लेकिन चीज वाकई में है, आप 5 साल यूज करने के बाद भी उसको आगे सेल करोगे ना तो भी आपको वो अपना कीमत है वो चुका देगा। यानी लोग ये नहीं कहेंगे कि पॉप का एक अच्छा स्पीकर नहीं होते हैं, वो खुद चलाकर ले लेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स, लाओसी, हमारे इंडिया में लाओसी के स्पीकर्स भी काफी ज्यादा चलते हैं, जिसके अंदर 21 इंच के बेस के लिए सबसे बेस्ट लाओसी के स्पीकर्स भी माने जाते हैं और काफी लोग इसके यूज भी करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा अराउंड्स। हमारे मेक इन इंडिया की कंपनी है जो धीरे धीरे साउंड के अंदर और आगे की ओर अग्रसर हो रही है। अब ज्यादातर लोगों का अराउंड्स पर भी काफी ज्यादा विश्वास टिका हुआ है क्योंकि इसके साउंड के जो स्पीकर्स रहते हैं वो काफी शानदार रहते हैं। अराउंड्स के अंदर आपको छोटे से छोटा लगा करके बड़े से बड़े स्पीकर्स, यानी आपको 2500 वाट तक के मैक्सिमम स्पीकर्स भी आपको मिल जाएंगे। अराउंड्स के स्पीकर्स भी काफी शानदार है। अगर आप अराउंड्स की तरफ जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हो, ये भी एक विश्वसनीय कंपनी है और आपके पैसा वसूल करने वाली कंपनी है। उसके अलावा फ्रेंड्स, पॉइनीर, मैकी, यामा, QSE ये कुछ ऐसे ब्रांड्स है जो हमारे इंडिया में कम यूज किए जाते हैं, लेकिन ये भी एक ट्रस्टेड ब्रांड है। अगर आप इन किसी भी कंपनी का कोई सेकेंड हैंड माल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं क्योंकि ये अच्छी है। हालांकि इंडिया के अंदर इसका रेटिंग से वो थोड़ा कम है, लोग इसको कम यूज करते हैं, लेकिन ब्रांड एक अच्छा है, स्पीकर्स इसके भी काफी शानदार रहते हैं। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे ल्योडली प्रो साउंड की।
सो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा ब्रांड है जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज होने वाला और सबसे ताकतवर माने जाने वाला ब्रांड है। इसके स्पीकर्स फ्रेंड्स ऐसे हैं जिसकी परफॉर्मेंस आप JBL या फिर आसिफ को भी टक्कर दे सकते हैं। ये ब्रांड्स ज्यादातर कंपटीशन डीजे वाला कहलाता है, यानी कि इसके जो बेसेज रहते हैं इसको लोग मेन कंपटीशन के लिए यूज करते हैं, रोड शो के लिए यूज करते हैं, काफी शानदार क्लियरिटी रहती है। इस ब्रांड के अंदर भी हमें BNC के स्पीकर है वो देखने को मिल जाते हैं और इसके प्रोडक्ट भी काफी शानदार है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारी फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर इनमें से आप किसी भी कंपनी के स्पीकर का चूज करते हो तो ये आपके पैसा वसूल करने वाली कंपनी रहेगी और आपको लॉन्ग टाइम साथ चलने वाली कंपनी रहेगी। इनके स्पीकर्स काफी फेमस है और अगर आप एक बार स्टार्ट कर लेते हो और उसके बाद मान लीजिए आपका सेटअप या फिर आपका बिजनेस फेल हो जाता है और आप इस माल को बेचना चाहते हो सेकेंड हैंड के रूप में, तो इन कंपनी के प्रोडक्ट के आपको रेट भी अच्छी मिल जाती है। यानी आपको थोड़ा बहुत तो रेट को गिराना पड़ेगा लेकिन फिर भी ये आगे छेल होने वाला माल है। यानी आपको ये नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि भाई तुम्हारा माल अच्छा नहीं है या तुम्हारे क्वालिटी में फर्क है, ये कुछ नहीं होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे सेकेंड नंबर कैटेगरी की, यानी जिसके अंदर गुड क्वालिटी के हमें स्पीकर्स मिल सके। इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे पहले आता है डायनामाइट। ये फ्रेंड्स एक ऐसा स्पीकर्स कंपनी है जो सबसे हाई लेवल का साउंड प्रोड्यूस करती है। इसका अभी मार्केट रेटिंग्स कम है, इसके कारण मैंने इसके दो नंबर कैटेगरी में रखा, वरना ये भी फर्स्ट लेवल कैटेगरी के कंपनी है। इसके स्पीकर्स का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है लेकिन इसका मार्केट की वॉल्यूम कम है। यानी डायनामाइट के स्पीकर से कम लोग यूज करते हैं, जितना आउजा, प्योरियो या फिर इन ब्रांड्स का प्रचलित है उतना इसका प्रचलन नहीं है। तो इसके स्पीकर्स भी काफी फेमस है। ये फ्रेंड्स हमें 2000 वाट या फिर उससे हैवी क्वालिटी के स्पीकर्स इसके अंदर मिल जाते हैं और टॉप के स्पीकर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। बेस काफी तगड़ी परफॉर्मेंस वाले इसके अंदर रहते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा SM प्रोफेशनल, यानी स्टूडियो मास्टर प्रोफेशनल। ये भी फ्रेंड्स एक ऐसा ब्रांड है जिसके आज के टाइम में इंडिया में काफी ज्यादा प्रोडक्ट प्रचलित है। ये भी फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट कैटेगरी के लेवल का ही है लेकिन इस ब्रांड का मेन फोकस स्पीकर्स तक ही नहीं बल्कि एम्पलीफायर और मिक्सर पर की भी रहता है। उसके कारण इसके प्रोडक्ट है वो इंडिया में कम यूज किए जाते हैं। मतलब ये एक कॉमन ग्रुप है जिसके अंदर आपके डीजे के सारे इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं, इसलिए इसके लोग एम्पलीफायर और मिक्सर्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं। स्पीकर इसके कम यूज करते हैं लेकिन इसके स्पीकर्स की क्वालिटी भी काफी शानदार है, काफी बढ़िया रहती है। फिर फ्रेंड्स अगली है ब्लूबेस। ब्लूबेस हमारे इंडिया से बाहर की कंपनी है, इसके प्रोडक्ट भी काफी शानदार है। इसके अंदर भी हमें हेवी वोल्टेज के स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा डासी या फिर डास का, ये भी फ्रेंड्स ऐसी कंपनियां हैं जिसके स्पीकर्स है काफी फेमस है और वो आप हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है डायनाटेक। ये फ्रेंड्स ऐसी कंपनी है हमारे इंडिया की जो एम्पलीफायर में काफी ज्यादा फेमस है। इसके भी मार्केट के अंदर स्पीकर्स अवेलेबल है लेकिन फ्रेंड्स इस कंपनी के मार्केट के वॉल्यूम की बात करें वो तो थोड़ा डाउन है क्योंकि इसके अंदर एम्पलीफायर की काफी ज्यादा प्रचलित होने, इस कंपनी के स्पीकर से अब धीरे धीरे मार्केट में आने लगे हैं और इसकी पहचान होने लगी है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है एम्प्रो। एम्प्रो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपके सभी इक्विपमेंट्स मिल जाते हैं। इसके भी स्पीकर्स मार्केट में काफी ज्यादा फेमस है, काफी लोग यूज करते हैं और अगर आप एम्प्रो के स्पीकर्स लेते हो तो आपकी कंडीशन एक गुड कंडीशन में रहती है, यानी आपके पास माल एक अच्छा है। हम इसको वेरी गुड भी नहीं बोल सकते और बैड भी नहीं बोल सकते, यानी मीडियम क्वालिटी का आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके अंदर। उसके अलावा आता है स्वीटोन। स्वीटोन फ्रेंड्स हमारा एक ऐसा इंडियन ब्रांड है जो काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तरफ इस टाइप के स्पीकर सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया में के स्पीकर से यूज किए जाते हैं और काफी अच्छे भी हैं। ये नहीं है कि कंपनी के स्पीकर है नहीं, कंपनी के स्पीकर गुड है। यानी मैं आपको सजेस्टिंग भी ये कर सकता हूँ, ले सकते हो आप इसके स्पीकर, यानी ये भी गुड कंडीशन में आता है। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स एनलैब के स्पीकर। तो फ्रेंड्स एनलैब के स्पीकर भी पावर रेटिंग के हिसाब से देखा जाए तो आपको काफी हैवी क्वालिटी के, यानी हाई पावर के आपको स्पीकर इस एनलैब के अंदर मिल जाते हैं, जो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स SLV की बात करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारे SLV हमारे इंडियन ब्रांड से, इसके अंदर भी स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं जो काफी अच्छे साउंड प्रोवाइड हमको करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स ऑडियो सेंटर की बात करें तो ये हमारे इंडिया से बाहर की कंपनी है, इसका प्रचलन भी इंडिया में काफी ज्यादा है।
और काफी लोग इसके यूज भी कर रहे हैं। ये भी हमारे फ्रेंड्स एक ऐसी कंपनी है जिसके स्पीकर्स काफी हैवी पावर के होते हैं। सो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेकंड ग्रुप। अब हमारे बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के, यानी फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट और सेकंड में से आप कोई भी स्पीकर लेना चाहे तो आपके फर्स्ट यानी वेरी गुड और सेकंड यानी गुड क्वालिटी की है, और थर्ड आता है हमारा जिसके अंदर आपको नॉर्मली मतलब बोल सकते हैं ओके या ठीक बोल सकते हैं, उसके अंदर फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट नंबर पर आता है 80 प्रो। सो फ्रेंड्स हमारा 80 प्रो एक ऐसा ब्रांड है जो हमारे इंडिया में काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं, खास तौर पर जो नए डीजे वाले भाई होते हैं वो ज्यादातर 80 प्रो के स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स यूज करते हैं। इसके फ्रेंड्स मेन रीजन ये है क्योंकि ये फ्रेंड्स सस्ता सुंदर और लॉन्ग टाइम चलने वाला एक कंपनी भी है। इसके अंदर आपके स्पीकर्स है वो अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, यानी बजट के हिसाब से देखा जाए अच्छे हैं। आप इस कंपनी के अंदर कम पैसा लगाकर बड़ा सेटअप वो खड़ा कर सकते हैं, इतना आपको सामर्थ्य ये कंपनी देती है। इसके अंदर स्पीकर्स है काफी हैवी पावर के आपको मिलते हैं जिसके अंदर आप फ्रेंड्स 2500 से 3000 बार तक के जा सकते हो। इसके अंदर आपको टॉप के स्पीकर या फिर आपको उससे नीचे के रेंज के भी स्पीकर से वो सारे मिल जाते हैं, एसएफ ड्राइवर्स वगैरह सब, यानी इसके अंदर फ्रेंड्स आप जा सकते हो। उसके अलावा फ्रेंड्स आता है ऑडियोटोन। ऑडियोटोन का भी फ्रेंड्स ये सेम मैचिंग होता है, ऑडियोटोन के स्पीकर्स भी काफी हैवी पावर रेटिंग्स के साथ में आते हैं, यानी जिसके अंदर आपको 1000 वाट 1200 वाट 1500 वाट 2000 वाट तक के आप बेस स्पीकर से वो यहाँ पर ले सकते हो। इसकी भी सेम कंडीशन यहाँ पर मैच होती है कि इसके अंदर भी आपको कम बजट के अंदर एक अच्छा सेटअप मिल जाता है। उसके अलावा फ्रेंड्स ऐसे भी ब्रांड है, डीजे प्लस हो गया, ए प्लस हो गया या फिर क्यूब हो गया, ये भी ऐसे ब्रांड्स है जिसके अंदर आपको स्पीकर से अच्छी कंडीशन में और यहाँ पर फ्रेंड्स कम बजट के अंदर एक अच्छा सेटअप आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है हमारे तीनों कैटेगरी की कंपनियां जो आप ले सकते हो कोई भी आप अपने बजट के हिसाब से। यहाँ पर फ्रेंड्स इन तीनों का मैंने अलग अलग डिवाइज इसलिए किया ताकि आप एक अच्छी कंपनी का सिलेक्शन है वो कर सके। सो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में।